देखो, अलोपेशिया के केसेस पहले से ही ज़्यादा थे, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम था डॉक्टर्स में. अलोपेशिया यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि 16 से 20 साल के बीच में भी अलोपेशिया बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग देखते हैं. तो ये लाइफस्टाइल की रीज़न भी हो सकती है. आज इस वर्कशॉप में क्या कुछ खास था? इस वर्कशॉप में हमने बालों के बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हमने स्टडी किया, काफ़ी पेशेंट्स का देखा कि क्या क्या फाइंडिंग्स मिलते हैं. और हम बेसिकली ट्राइकोस्कोपी, जो कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, वैसे चमड़ी के डॉक्टर के पास डर्मोस्कोप होता है, जिससे हम बाल काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं. इन दिनों लोग जो हैं बालों की समस्या से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं, और लगातार जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं गंजेपन का शिकायत हो रही है, और लगातार जिस तरीके से एलोपेशिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज पटना के मौर्या होटल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, और यहाँ पे काफ़ी दिग्गज स्पेशलिस्ट आए हैं. हम इन सीधे इनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्या है वो भी जानेंगे, और साथ में क्या कुछ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे उपाय हैं. मैम, सबसे पहले एलोपेशिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आखिरकार इसका रीज़न क्या है? देखो, एलोपेशिया के केसेस पहले से ही ज़्यादा थे, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम था डॉक्टर्स में. तो अभी बहुत सारा अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी हो गया है और पेशेंट्स में भी हो गया है, ये एक मुख्य कारण है. दूसरा कारण ऐसा है कि लाइफस्टाइल बहुत लोगों की अभी बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ताकि इसलिए आप देखेंगे एलोपेशिया यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि 16 से 20 साल के बीच में भी एलोपेशिया बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग देखते हैं. तो ये लाइफस्टाइल की रीज़न भी हो सकती है. सॉल्यूशन क्या है, क्योर क्या है? सोल्यूशन और क्यों बोलेंगे तो आपको लाइफस्टाइल भी अच्छी रखनी पड़ेगी, साथ में जैसे आपको एलोपेशिया मालूम होता है या बाल झड़ना चालू होते हैं, तुरंत ही आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके. बहुत बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है घर में ही इलाज करते रहता है, और इतने घर के इलाज में बहुत दिन निकल जाते हैं, बाल बहुत सारे झड़ जाते हैं. अभी जितने बाल झड़ते हैं वो सभी बाल नहीं आते हैं, उसमें से 50% या 60% आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि 40% 30% आपके बाल तो परमानेंटली चले गए ना. जितना आप लंबा टाइम लगाओगे इलाज करने में, उतना नुकसान आप ही का हो जाएगा. आज इस वर्कशॉप में क्या कुछ खास था? इस वर्कशॉप में हमने बालों के बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हमने स्टडी किया, काफ़ी पेशेंट्स का देखा कि क्या क्या फाइंडिंग्स मिलते हैं, और हम बेसिकली ट्राइकोस्कोपी, जो कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, वैसे चमड़ी के डॉक्टर के पास डर्मोस्कोप होता है, जिससे हम बाल काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं. तो उसमें कौन सी बीमारी में क्या दिखता है वो हमने आज डिस्कस किया है. बेसिकली एलोपेशिया को लेकर अवेयरनेस अब बढ़ रही है, तो जो लोग घर में की ओर खोजते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैम ने बोला, घर में कई बार ट्रीटमेंट करते करते ऐसा हो जाता है, बहुत टाइम बीत जाता है, और उस कारण से काफ़ी नुकसान हो जाता है. दूसरी चीज़ ये कि कई बार घर घूती जो इलाज लोग करते हैं, कई कुछ चीज़ें लगा लेते हैं, उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो इतना नुकसान हो जाता है कि उसका रिपेयर इतना हो नहीं पाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाइए और उनसे ही इलाज लीजिए, अपने मन से इलाज नहीं कीजिए, या फिर किसी एक पेशेंट को ये अच्छा हुआ ये दवा से तो मैं भी वही दवा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है. सर, एलोपेशिया के केसेस अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मेन कॉज क्या है या रीज़न क्या है? इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं. पहला चीज़ तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है, और साथ ही साथ डायग्नोसिस. सारा एलोपेशिया सेम नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के एलोपेशिया होते हैं. जिसी के लिए ये वर्कशॉप की गई है, उसको ईजीली जल्दी पिकअप करने के लिए, क्योंकि जो मशीन यूज़ करते हैं उससे वो जल्दी जो हेयर डिसऑर्डर है, क्योंकि ताकि सारी दवाइयाँ सेम में नहीं चलती हैं, तो उस डिसऑर्डर को पिकअप करने के लिए ये मशीन से जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, और जल्दी केसेस. और एलोपेशिया का मेन कॉज क्या है? बहुत सारे कॉज होते हैं, फंगस की वजह से भी होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है, एज की वजह से भी होता है, हार्मोन की वजह से भी होता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं. स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस सबसे मेन रीज़न होता है किसी भी बीमारी को लेकर, तो क्या एलोपेशिया के केस में भी स्ट्रेस का योगदान है? बहुत है. स्ट्रेस कई प्रकार का होता है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, मेंटल है, फिजिकल है, मेटाबॉलिक है. पेशेंट क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, कितना स्ट्रेस ले रहा है, उससे भी काफ़ी अंतर पड़ता है.
देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और इस वर्कशॉप में काफ़ी कुछ बताया गया है, क्योंकि पटना वासियों के लिए कहीं ना कहीं सुनहरा मौका है कि आप भी यहाँ आएँ और जिस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के बारे में जाने, क्योंकि एलोपेशिया लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाल की एक आदमी या फिर औरत के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपकी खूबसूरती को निखारते हैं, लेकिन जब ये बाल झड़ने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मे बी सीजनल वाइज झड़ रहा है, लेकिन इसका मेन कॉज क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी हीरा के साथ स्नेहा गुप्ता, IVTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।